Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तूले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तू, जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तू, जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी, ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू, जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, लड़ते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई, तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेपर स्टडी द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। दोस्तों मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से मैं करता हूं आप सभी लोगों का यहां पे स्वागत। तो गाइस आज की क्लास शुरू करेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को एक बार नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। सबसे पहला काम क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो मैं देख सकता हूं यहां पे कितने लोग आ चुके हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं और जल्दी से सब लोग आ जाएं। तो गाइस मैं सब लोगों से बताना चाहता हूं, वीडियो को कर दो भैया शेयर, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त वाले। और लेट्स सी गाइस, तो देख सकता हूं मैं कितने लोग जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेशन बहुत जबरदस्त है। पहले मुझे ये बताओ, अप्रोक्सीमेशन की सारी वीडियो सबने देख ली, लाइव टेस्ट दिया था, मजा आया? हाँ जी, तो 900 बच्चे यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। देखिए अप्रोक्सीमेशन पे अगर मैं बात करूं तो मैंने तकरीबन 4 वीडियोस आपके अप्रोक्सीमेशन पे दिए थे। मेरी सोच ये थी कि कोई भी बच्चा अगर सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करने की सोच रहा है, कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि सर मुझे आप ही से पढ़ना है और मैं आपसे पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो उसको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर ले, जो मैथ्स बाय अरुण सर 4 PM की प्लेलिस्ट है,
उस प्लेलिस्ट को वो सेव कर ले, और सिस्टमेटिक वे से क्लास हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लास हॉचपॉच हो रही हो, सिस्टमेटिक वे से मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे में स्पेशल सेशन हुआ करेगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन आराम आराम से स्मूथली कॉन्टेंट पढ़ा रहे हैं। मैंने यही आज के लिए कहा है, आप मेरी ऐसे ऐसे करके हम लोग कॉन्स्टेंट लार्ज नंबर होते हैं ऐसे करके, एक फिर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर क्यूबिक वाले आते हैं, फिर मिसलिनियस आते हैं, और फिर ये तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप करके जाएंगे, सही रहेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इक्वेशन, आज हम लोग के पास में इक्वेशन होगी, इसके हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो आज का सेशन फैक्टर निकालना है, धीरे धीरे हम लोग क्या सीखेंगे, जिनके कॉफिशियंट लगे होते हैं उनके फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग बड़े नंबर को सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे रूट, फिर बड़े रूट, और ऐसे ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो जरा एक बार कमेंट कर देंगे, सर बढ़िया है, चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो मेरा हमेशा से कहना है, क्वाड्रेटिक हमको समझना है साइन मेथड से। साइन मेथड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइन मेथड समझ में नहीं आया आज तक, किसी ने समझाया भी नहीं। साइन मेथड बहुत यूज होता है, मैं इतना समझाऊंगा नहीं। साइन मेथड होता क्या है, मैं आपको साइन मेथड नहीं समझाने वाला। क्यों नहीं समझाने वाला, बताता हूं क्यों। क्योंकि साइन मेथड का इस्तेमाल तो होता है, अगर क्वाड्रेटिक में पांच क्वेश्चन आते हैं, पांच में से एक सवाल है जो साइन मेथड से बन जाता है, एक क्वेश्चन है जो साइन मेथड से बन जाता है। अब ये साइन मेथड कुछ बच्चों को लगता है कि सर याद करना पड़ता है, मेरा सोचना है याद नहीं करना है, समझना है। देखो कैसे समझना है, सबसे पहले दुनिया में प्लस आया था, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर हमने कहा दोनों प्लस हैं, फिर हमने कहा दोनों माइनस है, ठीक है। हमने क्या कहा, प्लस माइनस, हमने कहा प्लस माइनस, फिर हमने कहा दोनों प्लस दोनों माइनस। अब समझना, जब दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस, माइनस प्लस है, ये क्या हो रहा है, आ जाओ, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस। इस वाले को ऐसे ड्रैग कर लेंगे, इस वाले को यहां ड्रैग कर लेंगे माइनस प्लस, और इस वाले को यहां ड्रैग कर लेंगे, तो ये आपकी टेबल फॉर्मेट बन गई। फिर से सिखा दे रहा हूं कि टेबल को कैसे फ्रेम करना है, टेबल को फ्रेम करना सीख लो। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। आओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो मैंने क्या कहा, दोनों प्लस और दोनों माइनस के, तो क्या करोगे, दोनों प्लस है दोनों माइनस के, प्लस प्लस यहां जाएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस, बस इतनी बात आपको समझनी है। अगर मैं कायदे से कहूं तो इसमें समझने लगे ऐसा कुछ खास था नहीं कि बहुत कुछ समझना है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये आप ही के लिए अच्छा है, और नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको और अच्छा भी समझ सकते हैं। तो चलो भाई शुरुआत करता हूं, 1600-1700 लोग सेशन देखने आ चुके हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करो, माइनस प्लस, तो माइनस देखो दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों रूट किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा, अगर प्लस प्लस है दोनों माइनस के और माइनस प्लस है तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो लिखा होता है यहां पे, पीछे आ जाओ, माइनस प्लस, आप समझना मेरी बात को, एक मिनट, अरे उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट, देखो कहां गया, ये प्लस का और ये भी प्लस का, सॉरी, है ना, ये देखो यहां पे माइनस प्लस प्लस प्लस, टेबल बनाना कोई दिक्कत, देखो आप टेबल बना सकते हो, प्लस माइनस, दिख रहा हूं मैं एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या कहा कि दोनों नंबर पॉजिटिव के, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इसके भी रूट माइनस के आएंगे, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो क्या यहां फैक्टर निकालने की जरूरत है, क्या आपने कहा यहां फैक्टर निकालने की जरूरत है, नहीं, तो आप सीधे करोगे एक्स बड़ा है वाई से, ये तो सिंपल सी बात है जो आपके मैंने दिमाग में सेट कर दी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले यस करो, इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। 1700-1800 लोग बने हुए हैं सेशन में, क्या कहा कि दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, बताया था मैंने अभी कि प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस प्लस माइनस माइनस, आपने क्या कहा दोनों प्लस दोनों माइनस, माइनस प्लस दोनों प्लस प्लस, गॉट इट, थम्स अप, ये समझ में कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक रूल तो ये है, एक चीज और आपको समझनी है जो पॉइंट है, बहुत ध्यान सुनना पॉइंट, अब जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, कि अगर दोनों कॉन्स्टेंट नेगेटिव हैं, अगर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं, तो उस केस में आंसर हमेशा सीएनडी होता है, उस केस में आंसर हमेशा सीएनडी, कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर पांचवा जो होता है ना, वो सीएनडी होता है हमेशा,
मान लो अगर ये भी नेगेटिव होता ये भी नेगेटिव, इस केस में आंख बंद करके आपको बोलना है सीएनडी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो ये बार थम्स अप कर दे। एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं, वॉइस वगैरह सबको क्या रही है ना, क्या कहा कि दोनों कॉन्स्टेंट अगर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा सीएनडी होगा। यस, पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सर, 30 सेकंड लगेगा ही नहीं, 3 सेकंड लगेंगे। सर आपने का माइनस है, आपने का माइनस है, आप इतने बड़े फैक्टर निकालो ही मत, इतने बड़े फैक्टर निकालो ही मत, आपका आंसर सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। अरे भैया हाँ या ना बोलो, अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी और भी ट्रिक है। क्या कहा मैंने, मैंने आपसे क्या कहा, दोनों के कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो सी एंड डी, टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड, बस आपको दोनों के कांस्टेंट चेक करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोनों के कांस्टेंट क्या है, अगेन नेगेटिव है तो आपका आंसर फिर से सी एंड डी, कुछ करना ही, दोनों को देखते ही ऑप्शन नंबर 5 है। भाई सब हाँ करो, वीडियो को लाइक कर देना सारे लोग, 30 सेकंड लगेगा, आप मुझे बताओ सर क्या 30 सेकंड लगेगा, जवाब दीजिए सर, एवरीवन कमेंट फास्ट, सर 30 सेकंड लगेगा, मुझे बस यही जानना है, आसान है, हलवा है कि नहीं है, एवरीवन कमेंट कीजिए फास्ट। अरे कुछ तो कहो सर, हाँ या ना कुछ तो कहो। अगला सवाल, नेक्स्ट एक और देखते ही आंसर बन जाएगा, ये देखो फिर से, दोनों कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5वां, इजी है। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, बच्चे लिख रहे हैं नो सर नो सर, तो वीडियो को फटाफट से, 1800 लोग देख रहे हैं इस समय, लाइक कौन करेगा भाई, लाइक तो कर दो जल्दी से। अगला सवाल, नेक्स्ट, अब आपके पास में 4 क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड में चारों करने हैं, 4 क्वेश्चन है, 30 सेकंड में चारों करने हैं। देखो सबसे इस वाले का देखो, जल्दी बनाओ, चलो आप मुझे आंसर दो सर, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, जल्दी दो फटाफट से, मजा आ रहा है सब लोगों को, अभी तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा, जब कॉन्स्टेंट नेगेटिव है आपको कॉन्स्टेंट चेक करने, देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का होगा ये भी माइनस का, और ये माइनस प्लस है, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो पहले वाले का आंसर हो गया कि एक्स बड़ा छोटा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, पहले वाले का माइनस माइनस सी एन डी, माइनस माइनस सी एन डी, माइनस माइनस सी एन डी। तो कितने लोग हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, जितने लोगों को आ गया जरा वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, अभी तो बस शुरुआत है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, जल्दी से कम ऑन एवरीवन फास्ट कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मात्र 1000 लोगों ने लाइक किया, यह गलत बात है, देखो ये गलत बात है, 1800-1900 लाइक देख वीडियोस को देख रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं, पहले वाले का भी समझ में आ गया था और बाकी सारे सी एन डी। अब आपकी बात आती है सर, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आपने देखा और बना दिया, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, आओ, वो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब फैक्टर कैसे निकालोगे, पहले आप बनाओ फिर मैं बताऊं। मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आपने कहा देखो यहां पे तो कांस्टेंट नेगेटिव है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या करोगे, है ना भाई, माइनस प्लस, तो आप कहोगे सर ये तो माइनस प्लस है, तो प्लस प्लस में आंसर आएगा, प्लस प्लस में कंपैरिजन कैसे होगा, यहां फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सी एन डी का मतलब होता है बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश बोल सकते उसको। अब यहां पर फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर कैसे निकालोगे, अब देखते हैं, आओ समझते हैं। देखो आपके पास पहली इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसको ब्रेक करना है अभी, पहले नंबर मैंने छोटे लिए ताकि सिखाने के लिए, x square minus 6x
प्लस 8 बराबर में 0। तो आपने कहा 6, देखो आप दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए और इनका जो सम है वो माइनस 6 होना चाहिए। ऐसे नंबर बताओ कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए, 8 बन जा 8। तो आपने कहा सर 4 दुनी 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, भाई माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और ये हो जाएंगे। अब बाद में इनके साइन बदल देने हैं, तो ये एक्स के फैक्टर आ गए। एवरीवन से यस और नो फास्ट। अब यहां पर भी सेम फंडा लगाना है, यहां पर भी क्या फंडा लगाओगे, बिल्कुल सेम फंडा। यहां पर भी आप यही कहोगे सर कि आपको क्या करना है, 15 चाहिए और 8 चाहिए। तो आपने कहा सर माइनस 3 माइनस 5, 3 पंजे 15, 3 और 5 माइनस 8, दोनों प्लस के हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। अब कंपैरिजन कैसे करना है, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की, कंपैरिजन बहुत ध्यान से सीखना जो मैं सिखा रहा हूं, कंपैरिजन बहुत ध्यान से सीखना बच्चे। आप इसको कंपेयर करो इससे, कौन बढ़ा है, 3 से कंपेयर कर रहे, 4 को कंपेयर कर रहे 3 से, 4 बढ़ा है, 4 को कंपेयर किया 5 से तो 5 बढ़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, सी एंड जब साइन हो गए उल्टे तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। इजी है, समझ में आ रहा है, जब भी आपके साइन ऐसे हो जाए ये देखो तो उस केस में भी आंसर सी एंड डी होता है, जिसको बोलते हैं संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस और नो कर दो, एवरीवन सब लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कितने लोग लाइव है इस समय पता नहीं चल रहा है, पर जितने भी लोग लाइव हैं, हलवा समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, जल्दी से बोलो हाँ या ना। चल एक सवाल और, ठीक है 30 सेकंड आप ट्राई करेंगे, बनाओ शाबाश, बनाओ 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 शाबाश। इजी है, अब इस नंबर को देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, 10 और 24 चाहिए तो क्या मिलेगा फैक्टर, 6 चौको 24, यहां बस फैक्टर निकाल के कंपेयर, वीडियो को शेयर जरूर करें सारे लोग। देखो आपने कहा सर माइनस 10 है, तो आप क्या फैक्टर बनाओगे बताओ, फैक्टर क्या मिलेंगे, आप कहोगे सर माइनस का 6 और माइनस का 4, 6 4 24, 6 4 10, दोनों हो जाएंगे प्लस के। अब आपने कहा माइनस का 8 और माइनस का 6, दोनों हो जाएंगे प्लस के। अब देखो कंपैरिजन किया 6 और 8 में 8 बढ़ाए, 6 और 6 में बराबर है, 4 और 8 में 4 बढ़ाए, 4 और 6 में ये बढ़ाए, तो कौन बढ़ाए, वाई बढ़ाए। तो आप कहोगे एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, आया समझ, कंपैरिजन समझ में आ रहा है सर, 1800 लोग सेशन में बने हुए, समझ में आ रहा है कंपैरिजन कि सर 6 और 8 में 8 बढ़ा, 6 और 6 बराबर, 4 और 8 में 8 बढ़ा, 4 और 6 में 6 बढ़ा, तो वाई के नंबर बढ़े। तो हमने कहा या तो वाई बड़ा है एक्स से या एक्स छोटा है वाई से, समझ में आ रहा है, एक बार जरा हाँ या ना कुछ करो सर, इजी है 30 सेकंड, कम ऑन एवरीवन से यस और नो फटाफट से फास्ट। जो बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेसिक्स पहले, पहले बेसिक समझना है, इसके बाद मैंने कहा कि मैं सेशन लाऊंगा इस पे और हाई लेवल के भी, तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, आ रहा है समझ में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फैक्टर्स बनाइए, बस याद रखना जो फैक्टर्स आएंगे बाद में साइन बदल देने हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अब देखो 17 72 15 56, याद रखना इस आने वाले 4 सेशन में मैं जितने सवाल कराऊंगा मैं 99% कह सकता हूं एक भी सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। बना बनाओ शाबाश, कोचिंग क्लास जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखो। सर बस ये बता दो एक बार फैक्टर कैसे बने, वही बता रहा हूं, देखो फैक्टर कैसे बने यार, देखो इस वाले को ध्यान से देखो, जिसने भी ये सवाल पूछा इसको ध्यान से देखो, ठीक है बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी मैक्सिमम लोग डी आंसर कर रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे दो नंबर का मल्टीपल बताओ जिनका मल्टीपल होना चाहिए 72 और इनका सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 17। तो बताओ 9 8 72 9 और 8 17, बस इतना दिमाग लगाना है। तो आपने कहा सर 9 और 8,
किसी को भी पहले दो फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के, गॉट इट? हाँ या ना बोलो। 9 और 8 17, 9 8 72। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों प्लस के थे, तो याद रखना है साइन हमेशा उल्टे कर देने। अब 56 और 15 तो क्या मिलेगा, 8 और 7, 8 7 जा 56, 8 और 7 15, तो माइनस का 8 और माइनस का 7, ये इसके फैक्टर आ गए। इजी लग रहा है? आप कंपैरिजन कैसे करेंगे सर, कंपैरिजन में तो दिक्कत है। तो 9 और 8 में माइनस के केस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो ये इसमें कंपेयर किया तो ये बड़ा, इसमें कंपेयर किया ये बड़ा, इसमें किया बराबर है, इसमें ये, तो आप कहोगे x लेस देन इक्वल टू y। कैसा रहा क्वेश्चन? इजी है। बहुत सारे लोग डी ऑप्शन कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या डी इसका सही आंसर है, तो आपने कहा बिल्कुल सर डी इसका सही आंसर है। आप जरा कमेंट करके बताओ सर आसान लग रहा है टफ लग रहा है, फैक्टर्स निकालने अभी तो बहुत, अभी तो मैं छोटे फैक्टर्स पे ले रहा हूं जो देखते ही बन जाएंगे कि 9 8 17 72 8 7 15 56। अभी फैक्टर्स बड़े आएंगे जब कोफिशिएंट भी होगा तब बड़े फैक्टर बनेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और सवाल। बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, देखते हैं कितने लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सही। वीडियो को लाइक जरूर कर दें सारे बच्चे। एवरीवन फास्ट, चलो अब देखो 40 13 तो 8 5 18 और 72 12 6, तो फैक्टर्स कुछ तो ऐसे देखते बन जा रहे। देखो ये प्लस का है 40, तो आपने कहा सर 5 और 8, तो 5 और 8 13, तो प्लस प्लस दोनों माइनस। फिर आपने कहा 18 और 72, तो माइनस प्लस का 12 और 6 दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये देखो भाई 12 6 72, 12 और 6 18, आ रहा है समझ? अब कंपैरिजन, इसको इससे कंपेयर किया, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये बड़ा होगा। इसको इससे कंपेयर किया फिर से बड़ा, इसको इससे कंपेयर किया यही बड़ा, इससे कंपेयर किया ये बड़ा हो गया। तो आपका आंसर सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5वां, देख लो इसका आंसर क्या है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आप समझ रहे हो ना आंसर ई क्यों हुआ? भाई 5 और 12 में आपने कहा 5 बड़ा है, 5 6 में 5 बड़ा है, 8 12 में 8 बड़ा, लेकिन 8 6 में 6 बड़ा हो गया क्योंकि नेगेटिव में इतना छोटा होगा उतना बड़ा। इजी है? अरे कुछ कहोगे? हाँ ना, कुछ तो कहो। एवरीवन फास्ट, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सब बच्चों के, जितने ही बच्चे हैं यहां पर। नेक्स्ट एक और बनाइए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। बनाओ ना, शाबाश। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहां पे दिक्कत होगी सर प्लस माइनस में। बनाओ ना, शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बताओ, है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है सर क्वेश्चन करने में? मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। देखो 24 चाहिए और 11 चाहिए, बताओ क्या मिलेगा? माइनस का 8 और माइनस का 3, 8 3 24, 8 3 11, दोनों प्लस के हो जाएंगे। साइन हमेशा उल्टे कर देने। अब 18 और ये, तो 6 और 3 9, प्लस प्लस के हैं ये, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस का 6 और माइनस का 3। अब यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस के, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स बड़ा होगा वाई से, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये आप साइन मेथड से भी कर सकते थे। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ साइन मेथड। कैसे? देखो आपने कहा सर ये दोनों प्लस के आएंगे और ये दोनों माइनस के आएंगे, तो आपने सीधे कहा एक्स बड़ा है वाई से, तो ये वाला सवाल आप साइन मेथड से कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि साइन कब यूज करना है? जब एक तरफा मुकाबला है। साइन का मतलब क्या है? जैसे आप क्या करते हो, देखते ही बोल देते हो। जैसे मान लो मैंने कपड़े पहन रखे, तो आपने मुझे कैसे कहा, आपने कैसे कहा कि मैं लड़का हूं, बताओ कैसे कहा?
आप मुझे बताओ कैसे कायम रखा हूं। परसेप्शन क्या होता है, आप किसको देखते हो, मेरी वेशभूषा है ना, वेशभूषा को देख के तो आपने कहा अरुण सर आपकी दाढ़ी है, लड़कों की दाढ़ी होती है, आपने कहा आपके बाल छोटे हैं, ठीक है भाई, आपने कहा आपने टी शर्ट पहन रखी है और आपने कोट पहन रखा है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, यही वेशभूषा हल्की फुल्की दाढ़ी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लड़की की हो तो हम क्या करेंगे, हम तो कह देंगे लड़का है, लेकिन साइन मेथड से क्या, साइन मेथड क्या आंसर देगा, वेशभूषा देखे, लेकिन आपको कि नहीं से लड़के लड़की है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी, फैक्टर्स कब निकालने हैं, जब आप श्योर नहीं हो, है ना, मजा आ रहा है, हाँ वही चीज है बस, लाइफ को जोड़ो अपनी जिंदगी से। अगला सवाल, चलो तो पहले का आंसर ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लाइफ की रहा, क्वेश्चन आ गया ये रहा, बनाओ, अरे टाइमर क्यों जाम हो गया, चलो बनाओ, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अब प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बनाओ 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 शाबाश, हाँ बहुत, जिनको मजा आ रहा है लाइक करो या लाइक नहीं करो, 1300 लोगों ने लाइक किया वीडियो, गलत बात है, एक बटन दबा दो, एक सेकंड लगेगा, बनाओ भैया आंसर दो, इजी है, बहुत इजी है, अब देखो, अब फैक्टर्स यहां मुसीबत आएगी कि सर ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 20 होना चाहिए और इनका जो सम है वो होना चाहिए एक, भाई माइनस 20 और एक, तो ऐसे फैक्टर क्या मिलेंगे बताओ, तो आप कहोगे सर 5 और माइनस 4, 5 इंटू 4 माइनस 20, 5 में से 4 गया एक, फैक्टर आई नहीं आया समझ, थोड़ी आप अभी मान लो आप बिगनर हो तो हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन आप धीरे धीरे सेशन देखने डेली आओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको फिर टाइम नहीं लगेगा, अगर आप डेली आते हो सेशन देखने, है ना, बस क्या है, बस चढ़ते अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे तो अभी आपको थोड़ा मुश्किल होगी कि सर माइनस 20 है तो 5 और 4 अब माइनस 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस 5 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या बन गए, प्लस का 4 और माइनस का, सॉरी प्लस का 5 माइनस का 4, आया नहीं आया समझ, फिर से एक बार देखो, ये माइनस 20 था तो मैंने कहा माइनस 4 प्लस का 4, 5 में से 4 गया 1, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो आप इसलिए इसको प्लस का करोगे, इसको माइनस करोगे तभी ये पॉजिटिव मिलेगा, तो इसके फैक्टर क्या गए, प्लस का 5 माइनस का 4, अब मैंने आपसे कहा था साइन बदल जाएंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 और प्लस का 4, एवरीवन क्लियर है, हाँ या ना कुछ तो कहो, क्या ये पॉइंट क्लियर है, थम्स अप फटाफट से, ठीक, अब इसके बनाओ, सिंपल है इसके तो, माइनस 8 और माइनस 5 तभी प्लस का 40 मिलेगा और तभी माइनस का, ये तो ये हो जाएंगे प्लस का 8 और प्लस का 5, अब कंपैरिजन, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा, ये बड़ा, तो x छोटा है y से, इक्वल टू क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, x छोटा है y से, इक्वल टू कहां से आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग इक्वल कैसे बोल रहे हो, सीधा सीधा x बड़ा कहां से है यार, कुछ लोग x बड़ा बता रहे हैं, बड़ा कहां से हो जाएगा x, तुम लोग कहां दिमाग लगा रहे हो भाई, x बड़ा कैसे हो जाएगा बताओ, हवा में तीर मत मारो, अगला सवाल चलो बनाइए, फैक्टर्स देखना बनाना, थोड़े से फैक्टर अच्छे हैं इस बार, एक मिनट, चलो बनाओ, लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट, सी एंड डी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, आओ मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को समझना है, 63 को ब्रेक करो, ए इंटू बी आपको क्या चाहिए 63, और आपने क्या कहा सर ए प्लस बी आपको कितना चाहिए प्लस का 2, तो फैक्टर बताओ 9
और माइनस 7 9 सेमेस्टर नॉलेज 2 के साथ, तो फैक्टर क्या मिले यहां पे, यहां मिला प्लस का 9 माइनस का 7, फैक्टर्स बदल जाएंगे। तो आप फैक्टर्स बदल के क्या कहोगे कि भाई साहब ये माइनस का 9 हो गया और ये प्लस का 7 हो गया। हाँ या ना बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, स्टेप क्लियर है इतना। अब यहां देखो ये 35 है और ये 12 है, तो माइनस का 5 और माइनस का 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 7। अब फैक्टर कंपैरिजन करने, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, 9 और 5 में ये बड़ा है, 9 7 में ये बड़ा है प्लस वाला, ये वाला बड़ा है, 7 5 में 7 बड़ा है, तो आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो सी एंड डी है भाई। आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, कहां दिमाग है यार, 7 5 में 7 बड़ा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, एवरीवन से यस और नो, गलत हो क्यों रहा है सर, सी एंड डी आंसर है, आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो सी एंड डी है, ऑप्शन नंबर ई। क्यों गलत हो रहा है, ये दोनों प्लस के आएंगे, प्लस 5 प्लस 7, तो 9 में से तो यही बड़ा है, 7 में 7 बड़ा हो जाएगा, बस ये साइन उल्टा हो गया। एक और नेक्स्ट, चलो ट्राई करो, इजी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया था आपको, शायद अभी बताऊंगा इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए, पहले चलेंगे ना कॉन्सेप्ट्स पे, पहले ट्राई करो। चलो जितने लोगों को मजा आ रहा है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए कहां चलेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप चलो मेरे साथ एक जगह, अभी मैंने सिखाया था इस पे, इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहां जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि x की पावर अगर इवन है, लिखा हुआ है देखो, x की पावर क्या है अगर इवन नंबर 2 4 6, तो केवल उसके दो रूट आएंगे, कितने रूट आएंगे, दो रूट आएंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यह बात समझ में आ गई, एक्स की पावर इवन है 2 4 6 8 कुछ भी है, तो दो रूट आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। उसके अलावा मैंने कहा कि एक्स की पावर अगर ऑड है, पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 एंड सो ऑन, तो केवल उसका एक रूट आएगा, वो होगा केवल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, 1 रियल रूट होगा उसका, अदर रूट्स नहीं निकालते उसके, अदर होते हैं लेकिन वो इमेजिनरी होते हैं, तो हमें एक रूट से मतलब है। ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर पावर 2 है तो दो रूट, पावर 1 है तो एक रूट। अब सवाल पे आते हैं, जिस सवाल पे थे हम लोग उसी सवाल पे आते हैं, कहां गया सवाल, ये रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा प्लस का 2 और एक आएगा बेटा माइनस का 2। ये बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और y के फैक्टर निकाल लेंगे, 6 चाहिए तो माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि 3 दुनी 6, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3 और प्लस का 2, ये हो गए y के फैक्टर। आप कंपैरिजन करो, जब कंपैरिजन करोगे 2 और 3 में ये बड़ा है, इसमें बराबर है, माइनस 2 माइनस 3 में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो अगेन इसका आंसर सी एंड डी। या एक तरीका और बताऊं इसका, ये समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ सी एंड डी। एक तरीका और था जो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, तो आंसर सी एंड डी, दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो आंसर सी एंड डी भाई। कमेंट करो सर, वीडियो अटक गया, कौन कह रहा वीडियो अटक गया भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ही बताओ। जितने लोगों को ट्रिक समझ में आई वीडियो को लाइक, 1500 लोगों ने लाइक किया अभी तक वीडियो को, 1900 लोग देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट से एक सवाल और, इसी पर एक सवाल और दूंगा फिर मैं आपको, एक सवाल और है बताइए, ट्राई कीजिए। एक्स क्यूब 64 है, वाई स्क्वायर 25 है आंसर।
तो x की पावर ऑड है तो एक वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू हो गई 4, यहां से y की दो वैल्यू आएंगी 5-5 कॉमा, ठीक है। 4-5 में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, भाई 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 को -5 से 4, तो आंसर फिर सी एंड डी, यानी पांचवा ऑप्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो ये बताओ, कॉन्सेप्ट्स बराबर क्लियर हो रहे हैं? तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे यार, कब करोगे लाइक, इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि इसको समझ में आ गया। चलो एक और सवाल पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आ चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। बना बनाओ शाबाश। एक्स स्क्वायर 1296 वाई 1296 रूट में। अब आप कहो से दोनों बातें एक ही तो है, लेकिन आंसर फिर भी फर्क पड़ेगा, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। बनाओ शाबाश। क्या करोगे, यहां से दो वैल्यू आएंगी, प्लस का 36, 36 का स्क्वायर रूट है ना ये, और माइनस का 36, यहां से केवल एक वैल्यू आएगी, बस एक, सी एन डी मत करना, एक वैल्यू आएगी प्लस का 36 केवल, क्योंकि ऐसे है ना ये ऐसे है, तो दो नहीं आएंगी एक आएंगी, क्योंकि पावर वन है मेरे भाई। मैंने अभी समझाया था, अभी समझा दिया, फिर पूछ रहे हो सर सीता किसका बाप था, पूरी रामायण सुनाई थी ना अभी, कि पावर देखना है, पावर दो है तो दो वैल्यू, पावर एक है तो एक वैल्यू। अब कंपैरिजन कर लो, 36 36 बराबर है, इसमें ये बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू y इसका आंसर है। सी एन डी क्यों, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी किताबों पे भी गलत लिखा हुआ है, आप बहुत सारी बुक्स देखोगे उन पे भी ये गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी किताब जो पब्लिश होती है ना उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, सी एन डी दे देते हैं जो पुराना पब्लिकेशन है, और बच्चे वही करके आते हैं, फिर बच्चों के नंबर कट जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उनके पूरे 35 out of 35 मार्क्स हैं यार मैथ्स में, सोचो, मतलब एग्जामिनर भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो आप जितने भी लोग गलत कॉन्सेप्ट सीख के बैठे हो यहां पे या कर रहे हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई वो अपना कॉन्सेप्ट सही कर लें। पावर दो, दो वैल्यू, पावर एक, एक वैल्यू, समझ गए ना। अगला सवाल, अच्छा इसका एक वो भी रीजन है, एक रीजन और भी है इसका, आपने बचपन में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे ध्यान नहीं है, एक्स स्क्वायर अगर लिखा है 4, तो एक्स क्या होता था, यहां प्लस और माइनस ऐसे चलता था, ये चलता था ना, तो हम लोग बोलते थे दो वैल्यू आएंगी। सर आपने बचपन में सीखा होगा, मुझे ध्यान नहीं, आपने सीखा नहीं सीखा, खैर बचपन में हमने एक स्कूल में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर 4 है, सिंप्लीफाई करते थे तो एक्स की वैल्यू यहां प्लस भी आती थी और माइनस भी ऐसे आती थी, इसलिए हम लोग दो वैल्यू बोलते थे, दो और माइनस दो। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1296, तो यहां तो कोई साइन है ही ना, तो ये प्लस का ही आएगा 36। अब आया समझ में, जब लिखा हुआ है अगर ऐसे मान लो वाई इज इक्वल टू रूट 4, यहां प्लस माइनस कुछ नहीं, तो केवल प्लस ही लेंगे ना 2, और यहां तो ये आता है जब ऐसे हटता है, तो ये देखो अब आ गया समझ में, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिनको आगे लाइक कर देना वीडियो को। अगला सवाल, एक और बनाओ शाबाश। कोई आंसर किसी के पास, लेट्स सी कम ऑन एवरीवन फास्ट। सर कोरोना का खत्म होगा, एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हैं यार। देखो पूरा देश दुआ कर रहा है कि कोरोना खत्म हो, आप एग्जाम की सोचिए, बहुत सारे लोगों की शादी थी यार वो पोस्टपोन हो गई है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ ठीक है समझ में आता है, सोचिए बहुत सारे लोगों की शादियां थी अप्रैल में, जिनके कार्ड बट चुके हैं। अभी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं आपको किस्सा बताता हूं, मुझे कल ही घर से मालूम चला था, मैं घर पे बात कर रहा था तो घर से फोन आया कि सब चीज तो ठीक है, चलो भाई एग्जाम एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम फिर होगा अच्छी बात है,
बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी शादियां थी अप्रैल में और इवन दो कार्ड उनके बट चुके थे, अब आप सोचिए, और कार्ड बट चुके हैं लेकिन लॉकडाउन है, बेचारे वो क्या करेंगे। अब जिन जिनको उन्होंने कार्ड दिए उनके नंबर तो होंगे नहीं ना, रिश्तेदारों के तो नंबर है, चलो फोन करके कह देंगे भैया शादी के। अब आप इमेजिन कीजिए क्या होगा, मतलब क्योंकि शादी है भाई, 300-400 कार्ड बांटे हमने, अगर इतना सब जगह कार्ड बांट के और अब पता चला कि यार वो तो जो है मेरी शादी नहीं, मेरी हो चुकी है, अब यही वाली सिचुएशन है। आ जाओ, कोरोना ने सबको प्रभावित किया, सेम चीज है, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का एक और एक माइनस का एक, है ना। यहां से देखो, तीन प्लस का तीन प्लस का एक, तो माइनस का तीन और माइनस का एक, आप कंपैरिजन कर लो, इसमें इसमें प्लस बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा, बराबर, तो एक्स बड़ा भी है और ये भी है वाई के, कुछ है ही नहीं, है ना, सही है एवरीवन, इजी लग रहा है, तो जरा एक बार यस और नो कर दें सर, इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट एक और जल्दी से फटाफट से ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। तुम हर चीज में सीएनडी लगा लो, प्यार हो गया क्या सीएनडी से, हर बार उसी का नाम ले जा रहे हो, हैं? थोड़ा दिमाग लगा लो, 20-30 फैक्टर निकालो, अभी तो कॉफिशियंट भी नहीं है यार, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल सिखा रहा हूं, बिना कॉफिशियंट के फैक्टर निकालना। आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीस बराबर जीरो, तो आप फैक्टर ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा पांच और चार, तो आप करोगे सर प्लस का पांच और माइनस का चार, फैक्टर्स को ब्रेक करोगे तो माइनस पांच प्लस का चार, ठीक है, ये ब्रेक करोगे प्लस का छह और माइनस का पांच, छह पांच तीस, और ये तो इसको बदल दोगे माइनस का छह और ये चीज हो गई, तो अब कंपैरिजन करोगे, इसमें इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा बड़ा, इसमें इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, सीएनडी आंसर फिर से। और यह मैंने बताया था कुछ करना ही नहीं है, दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव है, तो आंख बंद करके सीएनडी, आंख बंद करके, लेकिन दिमाग काम नहीं करता सर, अभी देखो ये दिमाग आपने, अब बाद में कुछ लोगों ने लगा लिया होगा कि सर दोनों नेगेटिव है करो ही मत, लेकिन मैंने करके भी दिखाया, वहां से भी सीएनडी आ रहा है और यहां से भी, तो ये तरीका करना का फायदा क्या, एग्जाम में बस इसी बात के पैसे मिलते हैं और इसी बात में आपका सिलेक्शन होता है। तो समझ में आ गया साइन मेथड कैसे यूज होगा, ठीक, तो इजी लगा। एक और सवाल जल्दी से फटाफट से बनाएंगे, 30 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट नाउ, बनाओ फटाफट से। और वीडियो को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं यार, ये गलत बात है, इतनी मेहनत से देखो यार तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं तुम्हें कि तुम अच्छा सीखो, ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वी आर गिविंग यू बेस्ट कंटेंट, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो करो सोशल मीडिया पे। आज मुझे सब लोगों से, मेरे फेसबुक ग्रुप पे कितने लोग ऐड है, फेसबुक का एक मेरा ग्रुप भी है, 76,000 के आसपास लोग ऐड है उसमें, सारे लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक देना है सबको, बनाओ बनाओ शाबाश, शेयर करो यार, आपका शेयर पता नहीं किसको शेयर दिला दे, दो वैल्यू आएंगी, प्लस का चार माइनस का चार। अब इसको देखो, प्लस का छह और प्लस का छह ही मिलेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का छह माइनस का छह, तो इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, जो जितना छोटा ये, तो आपका आंसर वाई बड़ा है x से, मतलब x छोटा है y से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c इज द राइट आंसर। काफी लोगों ने किया भी, इजी है, तो मजा आया कि नहीं आया। चलो भैया एक सवाल और, ये घर के लिए दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, जितने लोग ने किया इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में दोगे, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, ये रहा, ट्राई करेंगे घर पे, दो क्वेश्चन है,
आपके होमवर्क के लिए। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट खींच लेना। पहले जरा ये बताओ कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से एवरीवन फास्ट, दो क्वेश्चन है घर से करेंगे, बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना। जितने लोग इस समय देख रहे हैं 1880 लोग, 1880 कमेंट चाहिए मुझे सेशन में नीचे, इतने कमेंट, सबका आंसर चाहिए, वरना क्या फायदा, देखने क्यों आ रहे हो जब तुम्हें कमेंट ही नहीं करना। तो आप अपना क्वेश्चन है, अपना आंसर दो और कमेंट करके बताना, ठीक है? तो कल मैं लेके आऊंगा इसमें कॉफिशियंट वाले नंबर। आज तो मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जिनमें कॉफिशियंट नहीं है उनके फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो आप सीख चुके हो, एक बार फिर से इस वीडियो को देखना और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? कल मैं सिखाऊंगा कॉफिशियंट वाले नंबर। तो कैसी लगी आज? के लिए और मेरा भी ये कहना है कि भाई 6 महीने में आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए अगर आप देखेंगे 17 फरवरी यानी कि कल बुधवार से आपका एक बैच शुरू हो रहा है। पहला जो डे है स्ट्रेटजी टू क्रैक एनी बैंक एग्जाम, किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे 12 बजे। उसके बाद 18 तारीख को थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ्स, आप देख सकते हो। 19 तारीख को भी सेशन फ्राइडे वैदिक मैथ्स, उसके बाद सैटरडे डाउट सेशन, उसके बाद फिर हम लोग सीधे मूव कर रहे हैं अर्थमेटिक की तरफ, क्योंकि अर्थमेटिक में स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो डाउट सेशन हो जाएगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, हाउ टू सॉल्व परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन फिर डाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन फिर डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन डाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई सीआई पे क्वेश्चन डाउट। तो अर्थमेटिक से शुरुआत कर रहे हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट, एलिगेशन कैसे इस्तेमाल होगा, मिल्क वाटर वाले क्वेश्चंस, मिल्क वाटर वाले, एवरेज, एज, फिर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर सवाल, फिर वर्क एंड वेज, फिर डाउट, फिर पाइप आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे सवाल, डाउट। आप देख सकते हो पूरा 3 महीने से ज्यादा का यह बैच है। टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, फिर ट्रेन चलेगा, फिर बोर्ड चलेगा, फिर मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो रहा है 9 अप्रैल को। जैसे ही आपका 9 अप्रैल को अर्थमेटिक खत्म हो रहा है, फिर आपका बोर्ड मास आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डाउट, उसके बाद आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नए पैटर्न सिंप्लीफिकेशन के वो भी रखे हैं, अप्रोक्सीमेशन, नए पैटर्न अप्रोक्सीमेशन के, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, नए नंबर सीरीज जो इस बार SBI PO मेंस में आई थी, SBI PO mains वाली जो नंबर सीरीज थी वो भी कवर की जाएंगी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें, उसके बाद DI शुरू हो जाएगा कि हाउ टू रीड डेटा इंटरप्रिटेशन 28 अप्रैल से। फिर आप DI मेरे साथ पढ़ते हुए चलोगे और DI आप देख सकते हो, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन सिंगल डिग्री, सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग। और ये बैच आपका खत्म होगा 19 मई 2021 तक। तो आप देख सकते हो कि 17 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है और 19 मई तक जा रहा है, पूरे 3 महीनों का ये बैच है, ये बैच पूरे 3 महीनों का है, कंप्लीट बैच है सर, है ना, कुछ भी चीज में छूट नहीं रही है, DI है, अर्थमेटिक है, सब कुछ है। प्लस जैसे ही खत्म हो जाएगा इसके बाद, पहले मैं बता देता हूं कि इसे एक्सेस कैसे करना है। अपने प्ले स्टोर पे जाइए, यहां पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखा, लिखने के बाद इंस्टॉल कीजिए मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल नंबर लिखा और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू किया, OTP आएगा लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, या तो यहाँ पे चले जाना या यहीं पे लिखा रहा होगा गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप अपना गोल चूज करोगे, बैंक एग्जाम है ना, गोल चूज करना है बैंक एग्जाम, हिंदी आपको चूज करना है, किस लैंग्वेज में, हिंदी, और उसके बाद आप अपना गोल चूज करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके, है ना, गोल चूज कर लिया गेट सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं आए तो सर्च भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगा अभी। तो पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, ये रहा नया फीस का स्ट्रक्चर। 6 महीने की फीस है आपकी 5200 रुपए, 12 महीने की आपकी 65 और 24 महीने की इतनी है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बेस्ट है। यहाँ पे नीचे लिखा दिखा दे रहा होगा रेफरल कोड, ये दिखाई दे रहा है रेफरल कोड पे आपको ये वाला रेफरल कोड लिखना है AVP10। कोई रेफरल कोड अगर यहाँ पर ऑलरेडी है तो उसको हटा देना, AVP स्मॉल में भी लिख सकते हो 10। जैसे ही आपने रेफरल कोड एंटर किया आपकी फीस बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगी। देखो तो 5850 आपको 12 महीने की जो फीस पड़ेगी वो 5850 पड़ेगी। अगर आपके भाई बहन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 24 महीने की फीस आपको 7000 रुपए में
24 महीने की फीस पड़ेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि 1200 रुपए और पे करने पर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन और बढ़ा लोगे, तो चाहो तो 12 महीने, और 6 महीने का तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 6 महीने में आपको दिखाई दे रहा है कि 4600 आपको 6 महीने की, इसी में जस्ट आपको 1200 इंक्रीज करने है, ये देखो ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा बेस्ट माना जाएगा कि 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड इस्तेमाल करें। जैसे ही आप लिखाएगा देखिए ऑसम AVP10 अप्लाई लिखा भी आ रहा है ना, फीस ऑफ हो गई। उसके बाद अगर आपने स्पेशल क्लास देखी है तो आप पॉइंट्स भी रिडीम कर लेना, और सस्ता हो जाएगा ये देखो। अगर जैसे मेरे 320 पॉइंट है, आप अपने पॉइंट भी रिडीम कर लेना, इतने का कोर्स पढ़ रहा है ना, बाद में इतने का हो जाएगा ये देखो। तो 5500 का कोर्स पढ़ा मुझे लास्ट में, ठीक है। अब मेरे पास डेबिट के ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, इनको लगा देना और पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है सर्च वाले पे, आप क्या करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत। तो जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और मेरी प्रोफाइल पे आप कल आएंगे 12 बजे और मेरी पहली क्लास में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है सर। बहुत सिंपल सा वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो से सबको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या करना है। पॉइंट्स जरूर रिडीम कर लेना अपने, ताकि आपको डिस्काउंट और मिल जाए, ठीक है सर। चलो तो मिलते हैं कल आपसे, और ये पूरा का पूरा कोर्स है, आप कल आ जाइए। तो मिलते हैं कल, और जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम हमारे कौन कौन से, मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। SBI PO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो उसमें हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। RRB PO 2021 इसमें हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। RRB क्लर्क 2021 इसमें हेल्पफुल होगा। IBPS PO 2021 इसमें हेल्पफुल होगा। IBPS क्लर्क 2021 इसमें एग्जाम में सब में हेल्पफुल होगा। प्लस जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम होंगे सब में आपको ये कोर्स मददगार साबित होगा, ठीक है सर। चलो Long years ago, exams को crack कर